छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप ऐसे हर एक स्टूडेंट को पता है कि छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक के 10,000 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए आया है। और टीचर बनने के लिए आपका CGTET एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। तो आप लोगों के लिए CGTET का एग्ज़ाम का भी आयोजन जो है निर्देश जारी हो चुका है कि छत्तीसगढ़ में जो है CGTET का आपका एग्ज़ाम जो है 18 सितंबर को जो है आयोजित होगा। और आप लोगों को एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कि यदि आप CGTET एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 20 से 25 दिनों का ही टाइम है आप सभी स्टूडेंट के पास, और यदि CGTET एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आप जो है CTET एग्ज़ाम की भी साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप जो है सबसे पहले CGTET का एग्ज़ाम दीजिए, और उसमें यदि आपको अच्छे से रिज़ल्ट नहीं मिलता, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो आप जो है CTET का एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्योंकि टीचर बनने के लिए चाहे आपका CGTET हो या CTET, दोनों में से कोई एक आपका जो है क्वालिफाई होना चाहिए। यदि आपका CTET एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई है, तो आपको एक ही बार सिर्फ ज़िंदगी में जो है CTET एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई करना होता है। तो 18 सितंबर को आप लोगों का CGTET का एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको जो है अच्छे से करना है। 20 दिनों का ही टाइम है आप लोगों के पास, और मैं आप लोगों को कंप्यूटर स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि किस तरह से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, किस तरह से आपको जो है टाइम टेबल शेड्यूल बनाना है कि आप जो है एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाए और आपका जो है सिलेक्शन हो जाए। तो इस वीडियो में आप लोगों को हर एक जानकारी जो है CGTET के संबंध में मिलेगा, सिलेबस का आप लोगों को अच्छे से एनालिसिस करके बताऊंगा, और उसके लिए कौन से बुक आपको जो है पढ़ना है, क्योंकि 20 से 25 दिनों का ही टाइम है आप लोगों के पास। ऐसे में आप जो है अगर दूसरे बुक्स इधर उधर से पढ़ाई करेंगे जिनसे आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, तो आपका एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं हो पाएगा और आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। आपको मैं उन्हीं बुक को रिकमेंड करूँगा, बताऊँगा जो आपके एग्ज़ाम्स में जो है पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और जो बुक मैं आपको बताता हूं उन बुक को यदि आप फॉलो करते हैं, तो आप जो है छत्तीसगढ़ में CGTET एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद टीचर भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करके आप जो है टीचर बन सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने करियर को एक नया आयाम दे सकते हैं। क्योंकि आप लोगों के पास जो है बहुत ही कम समय है, लिमिटेड समय है 20 से 25 दिन। तो 20 से 25 दिनों में आपको कौन सी स्ट्रैटेजी और कितने घंटे की आपको पढ़ाई की ज़रूरत है, तो आपको बताना चाहता हूँ। आपको जो है CGTET एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए 20 से 25 दिनों का टाइम है आप लोगों के पास, तो 10 से 12 घंटे की पढ़ाई आपको जो है कंप्लीट आपको जो है मैनेजमेंट करना पड़ेगा, अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। 10 से 12 घंटे की यदि आप पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे, तभी आपका जो है एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो पाएगा। यदि आप सोचेंगे कि 1 से 2 घंटे की पढ़ाई करूँगा मेरा एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं। आपको 10 से 12 घंटे की पढ़ाई जो है कंटिन्यू कंसिस्टेंसी जो है मेंटेन करके रखना होगा। अब मैं आपको पूरा सिलेबस के बारे में कम्प्लीटली जानकारी देता हूँ। छत्तीसगढ़ में CGTET के सिलेबस की बात करें तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो आपके क्लास 1 से लेकर 5 तक के, यदि हम शिक्षक बनना चाहते हैं, 1ली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपके एग्ज़ाम में 30 अंकों का 30 प्रश्न आएगा, और ये सभी आपके पूरा डिवाइडेड हैं, जिसमें बाल विकास परिचय से आपके एग्ज़ाम में जो है 7 अंकों के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, जिसमें विकास की अवधारणा, विकास की अवस्थाएँ, ये सभी जो बाल विकास के परिचय होते हैं, शारीरिक, संज्ञात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास, विकास को प्रभावित करने वाली बातें, प्रकृति एवं पोषण, निरंतरता व अनिरंतरता, यह आएगा। बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बच्चों का अध्ययन और उसके कुछ जो है तरीके होते हैं, फिर विकास के पहलू, ये सभी आपके एक ही टॉपिक से हैं और वो इकाई में जो है डिवाइडेड है। तो विकास के पहलू से 7 अंकों के क्वेश्चन आएंगे, और ये क ख ग में है शारीरिक व गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण व समन्वयन का विकास, संवेगात्मक एवं नैतिक विकास, जिसमें कुछ सामान्य सिद्धांत जैसे शरीर के अंगों के अनुपात में बदलाव, ऊंचाई व वजन में वृद्धि, शारीरिक बनावट में बदलाव, नियंत्रण का विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, ये सभी आएगा। और सीखना एवं संज्ञान का विकास, सीखना एवं संज्ञान के विकास से आपके एग्ज़ाम्स में जो है 9 अंकों के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, जिसमें सीखना क्या है और बच्चे जो है कैसे सीखते हैं, विविध धारणाओं की समीक्षा, व्यवहारवादी, संरचनावादी, सामाजिक संकल्पनाएं, संज्ञान क्या है, बच्चों की सोच पर जीन पियाजे के विचार, ज्ञान निर्माण के तरीके और उसके जो है सम्मिलन, समायोजन, व्यवस्थापन, संतुलीकरण, किशोरों की सोच के लक्षण, मानसिक संक्रियाएँ क्या हैं, ये सभी से आपके जो है एग्ज़ाम्स में टोटल 9 अंकों के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। वहीं
विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से भी प्राय जो क्षति अपंगता एवं अक्षमता विभिन्नताओं में समानता विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य ज्ञान और शिक्षाक्रम जिसमें शिक्षाक्रम की जरूरत शिक्षाक्रम की अवधारणा पाठ्यक्रम की अवधारणा शिक्षाक्रम निर्माण की समस्याएं शिक्षाक्रम के चुनाव के अधिकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व बाल विकास तो इनसे संबंधित जो है कुल 7 अंकों के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपके जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 अंकों के 30 प्रश्न जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। साथ ही हिंदी की बात करें तो इनसे भी 30 अंकों के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, जिसमें आपका वर्ण विचार से 3 अंकों के आएंगे, जिसमें आपका अक्षर स्वर व्यंजन अनुस्वार एवं अनुनासिक ध्वनियाँ वचनादि संधि एवं संधि विच्छेद स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि यह आएगा शब्द रूप में शब्द विचार में शब्द रूप और शब्द रचना स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग जिसमें तत्सम तद्भव देशज विदेशी अर्थ के आधार पर शब्द भेद पर्यायवाची शब्द विलोमत शब्द अनेकार्थी शब्द इनसे संबंधित 4 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शब्द रचना की बात करें जिसमें आपका उपसर्ग प्रत्यय समास समास के भेद अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द संज्ञा संज्ञा के प्रकार कारक चिन्ह सर्वनाम विशेषण क्रिया वाक्य परिचय जिसमें वाक्य भेद वाक्य के भेद पद क्रम रचना में आपके मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ अपठित गद्यांश इनसे संबंधित 4 अंकों के क्वेश्चन आएंगे। फिर बच्चों के भाषी विकास की प्रक्रिया जिसमें भाषा विकास के चरण बच्चे स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आते हैं बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं स्कूल आने वाले बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता तो इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वहीं इंग्लिश की बात करें तो ग्रामर से आपके एग्जाम्पल एग्जाम में जो है 4 अंकों के आएंगे वोकैबुलरी से 4 अंकों के कॉम्प्रिहेंसिव से 7 अंकों के तो ग्रामर में आपको जिसमें आपके ग्रामर में आएगा नाउन प्रोनाउन टेंस वाइस नरेशन कंजक्शन प्रीपोजिशन आर्टिकल डिग्री क्वेश्चन टेक वन वर्ड सबस्टिट्यूशन सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट फिनिट वर्ब नॉन फिनिट वर्ब प्रेसिस राइटिंग ये सभी आपके जो इंग्लिश के ग्रामर में जो है पूछे जाते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर के लिए आपको जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि से दिशा पब्लिकेशन के आपको जो है लेना है। तो छत्तीसगढ़ में जो है 18 सितंबर को आपका जो है CGTET एग्जाम्स का आयोजन है तो 20 से 25 दिनों के ही टाइम है आप लोगों के पास एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कीजिए ताकि आप लोगों का सिलेक्शन जो है हो जाए। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर जानकारी आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आप लोगों को जानकारी जो है सबसे पहले मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। सो थैंक यू।